खुशी, एक्सक्यूज मी, आपने खुशी सिंह रायज़ादा को देखा है क्या? अब वो शायद अपने हस्बैंड के साथ बाहर। उनका हस्बैंड मैं हूँ। आई एम सॉरी, वो आप रांझा के गेटअप में थे ना तो मैं पहचान नहीं पाया। वेल मैंने उन्हें किसी आदमी के साथ बाहर जाते हुए देखा है। खुशी जी, इतने दिनों बाद हमें आपके साथ थोड़ा वक्त मिला जहाँ सिर्फ आप और हम दोनों साथ हैं। हमें छूने की कोशिश भी मत कीजिए। क्यों? जबरदस्ती से आपका हाथ से वरना पकड़ सकता है क्या? वो हमारे पति है। हाँ, जैसे कहने को रानी साहिबा हमारी पत्नी है ना। छोड़िए हमारा, छोड़िए वरना क्या खुशी जी? हम आपको थप्पड़ मार देंगे। अच्छा, लीजिए मारिए, मारिए ना खुशी जी, इसी बहाने छू तो लेंगी आप। आकाश, तुम एक काम करो, सबको लेकर बाहर जाओ और गाड़ी निकालो, फिर मैं। हाँ दीप, आप कहाँ हैं? यहाँ। और कहाँ? ये लीजिए। खुशी जी, छोटे को कुछ पता तो नहीं चला ना? चलो। दीप, आज नानी जी ये पहनने वाली थी और आपको पता है नानी जी ने हमें ये तोहफे में दिया। सुंदर है ना? हाँ, लेकिन हमारी हीर से ज्यादा नहीं। चलिए हम आपकी थोड़ी सी मदद करें। बिल्कुल नहीं, आप जाके आराम कीजिए और हम आपके लिए बादाम दूध लेकर आएंगे। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। लीजिए, एक ही तो ननद है हमारी, अगर हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे? अच्छा मामा, ठीक है, हम जाते हैं। कहाँ गई थी तुम? हम वो, मैंने पूछा कहाँ थी तुम? Don't you dare lie to me. तुम दी के पास नहीं थी और ऑडिटोरियम में भी नहीं थी। Why the hell were you? खुशी जी, प्लीज छोटे को कुछ मत बताइएगा, वो बेकार में ही चिंता करेंगे। कहाँ? हम जहाँ भी गए थे। आपसे मतलब है तुम कहाँ कब किसके साथ हो, मेरा जानने का मतलब है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। आपकी पत्नी? अजीब बात है, आज तक हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम आपकी पत्नी हैं। ये रिश्ता आप जब चाहे तब अच्छा है और जब ना चाहे तब इसका कोई मतलब नहीं है। आपने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बना के रखा है। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, वरना क्या? तंग आ गए हम आपकी इन धमकियों से। माफ कीजिए, हम तो भूल ही गए थे, जो बात आपके दिल में है वो तो आप कभी कहते नहीं है। आपका अहम आपको ये कहने की इजाजत नहीं देता है ना। आपके इस गुस्से ने हमारी जिंदगी को खेल बना के रखा है। खुशी, अपनी बकवास बंद करो, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। हमें जाने दीजिए, हमें दी को बादाम दूध देना है। Oh, now I get it. तो तुम घर में सबको खुश करने की कोशिश कर रही हो, सबको ये जताना चाहती हो कि तुम सबकी कितनी केयर करती हो। पहले जजेस को कन्विंस किया कि तुम्हें प्राइज ना दें, फिर ये इंश्योर करती हो कि सबको पता चले ताकि सबको लगे कि खुशी कितनी ग्रेट है, कितनी अच्छी लड़की है, सबका कितना ख्याल रखती है। द ग्रेट खुशी कुमारी गुप्ता, राइट? आपको जो समझना है समझ लीजिए। आपकी इन बेफिजूल बातों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अब ना ही हम आपसे बात करना चाहते और ना ही आपसे कुछ सुनना चाहते। I can't let you go, खुशी। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तुम्हारा प्लान क्या है। सबको और कुछ करना है ताकि और ज्वेलरी मिल सके, और फिर थोड़ी और। नानी जी ने हमें ये बहुत प्यार से दिया, कम से कम उनके जज्बातों का अपमान तो मत कीजिए। I don't care। मुझे तुम्हारी तरह अच्छा बनने का नाटक करना नहीं आता। खुशी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। Answer me, damn it. नहीं, हमारी बात खत्म होगी। हम नहीं जानते आपको हमसे क्या जवाब चाहिए, जब हमें आपके सवाल समझ में ही नहीं आते। पर आप हमें क्या जवाब देने देंगे? हम कुछ कहना भी चाहे तो आप समझते कहाँ हैं? निकालिए अपने पास, अगर और कुछ बचा है कीजिए हम पे बेवजह का गुस्सा, बेमतलब के चिल्लाइए। बिना वजह, बिना मतलब। ऑफ कोर्स है, मेरे गुस्से की वजह है, और वो तुम हो। जानना चाहती हो कि तुमने ऐसा क्या किया? जानना चाहते, शादी के दिन से जानना चाहते। थक के हम इस पहेली से, आज इस किस्से को खत्म कीजिए। बताइए हमें, हमने ऐसा क्या किया जो आपको हमसे इतनी नफरत है? तो सुनो, तुमने क्या किया, क्या करने की कोशिश की? मैं इतना गुस्सा इसलिए हूं क्योंकि तुमसे नफरत होने के बावजूद मुझे हर रोज तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है। फंस गया हूं मैं 6 महीने के लिए तुम्हारे साथ इस स्टूपिड टेम्पररी मैरिज में। फिर क्यों की हमसे शादी करनी पड़ी? डैम इट, वरना तुम पता नहीं क्या करती। दूसरों की जिंदगी से तो क्या क्या किया हमने? और अर्नव सिंह रायज़ादा, जो अपने अलावा किसी के एहसास तक को अहमियत नहीं देते, आज किसी की जिंदगी के बारे में सोच रहे क्यों? शट अप खुशी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया से नफरत करता हूँ मैं। गलत फहमी है आपको। आप जैसे इंसान तो प्यार के काबिल ही नहीं। हम तो भूल ही गए थे, अर्नव सिंह रायज़ादा को हर चीज अपने काबू में करने का शौक है। इट्स गुड कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जान चुकी हो, क्योंकि अगले 6 महीने तक तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, और मुझसे कभी भी कैसे, कब या क्यों पूछने की जरूरत भी मत करना। ये आपने अपनी आयरन कैल्शियम की दवाई ले ली? हाँ, बस लेने ही वाले थे। तो ये कौन सी दवाई है? कुछ नहीं छोटे, वो ये सब ठीक है ना? आप मुझे कुछ छुपा रहे हो? मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अब छोटे, वो दरअसल कल शाम को हमें थोड़ा सा चक्कर आ गया था। चक्कर? और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? You know that? इसीलिए नहीं बताया। ये देख रहे हो, हमें पता था कि तुम पैनिक करोगे, इसीलिए हमने खुशी जी और इनको भेजा और वो मेडिसिन ले आए और हम ठीक हो गए। तो वो दोनों ये दवाई लेने गए थे? हाँ, वो हमने उन्हें मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए। तो तुम कल दी की दवाई लेने गई थी तो बता देती, एक बार कह देती कि कहाँ गई थी तो मैं। हमें आपको कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इफ दी ने कहा दवाई लाने के लिए? खुशी शाम के साथ जाने को मना भी तो कर सकती थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।